नमस्कार, मैं अनु, आप देख रहे एक न्यूज 24। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण तभी किया जाएगा जहां पुल के निर्माण की इजाजत होगी। बिना पुल के सड़क का निर्माण नहीं किया जाएगा। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आइए पूरा वीडियो को सुनते हैं। मुख्यमंत्री माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के ग्रामीण सड़कों के लिए 18 वर्ष में लगभग जिस तरह से उन्होंने काम किया और जिस तरह से ग्रामीण सड़कों का नए सिरे से पूरे बिहार में बनाने का काम किया, और सब लोग जानते हैं बिहार के लोग, जब बिहार की बागडोर माननीय नेता को मिली उसके बाद उन्होंने ग्रामीण सड़कों को के निर्माण में और पुल पुलिया के निर्माण में विशेष रुचि रखी, और जिससे कि आज पूरे देश में बिहार सबसे तेज गति का राज्य विकास दर लेकर आगे बढ़ रहा है। ये कारण ग्रामीण सड़कों का उत्क्रमण, ग्रामीण सड़कों का स्ट्रेंथन और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का बढ़ावा, ये मूल कारण रहा है। आज आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कल के कैबिनेट में माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो कैबिनेट का निर्णय हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद जब हम लोग वापस आए थे और मंथन हुआ था, तो जो ग्रामीण सड़कों की स्थिति थी, जो पुल पुलिया की स्थिति थी, जिस तरह से बहुत से जगहों पर वोटों का बहिष्कार हुआ था, उन सब बातों को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ स्तरीय बैठक की थी, और इस बैठक में उन्होंने निर्णय किया था कि जो हमारे सड़कों का जो निर्माण हो रहा है उस गति से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ग्रामीण सड़कें बनी, ग्रामीण सड़कों का उत्क्रमित किया गया, लेकिन फिर भी जो सड़कें बनाई गई थी वो अपना लाइफ टाइम उनका ख़त्म हो गया था, और बहुत से सड़कों की स्थिति जर्जर थी, क्योंकि हम जब ग्रामीण इलाकों में विकास की योजना लेके जा रहे हैं तो निश्चित रूप से जिस ट्रैफिक का फ्लो हमारी सड़कों पर लगभग 40-50% बढ़ा है, और बहुत सी सड़कों जहां जहां सिंगल थी वो डबल करने की डिमांड था लोगों का। तो उस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए माननीय नेता ने जो हमारी सभी योजना थी उसको एक नई योजना के रूप में इसका शुरुआत की गई है। स्टेट प्लान से राज्य सरकार अपने मत से इन योजनाओं को एक नई योजना, ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसमें वैसे सभी सड़क जो हमारे मेंटेनेंस पॉलिसी में नहीं है उन सड़कों का उन्नयन, उन सड़कों का सुदृढ़ीकरण और उन सड़कों के चौड़ीकरण का निर्णय कल कैबिनेट ने किया है। मैं समझता हूं कि बिहार एक ग्रामीण परिवेश का राज्य है और माननीय नेता का ग्रामीण इलाकों को डेवलप करने की एक अपनी सोच है, और उसी सोच के तहत इस योजनाओं की शुरुआत की गई है। लगभग हम अभी के समय में हमारा विभाग अभी जिन टेंडरों को फाइनल किया है, क्योंकि ये पुरानी योजना पे, वो लगभग 6,000 है जिसकी काम की शुरुआत होनी है, और लगभग हम 10,000 किलोमीटर सड़क आने वाले समय में फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल के अंत तक हमें उम्मीद है कि हम 10,000 किलोमीटर सड़क बनाने में सक्षम हो पाएंगे, और चुनाव के पहले पहले तक हम 13,000 और सड़कों का निर्माण करेंगे। तो आज के डेट से नवंबर एंड के पहले तक लगभग हम 26,000 नए सड़कों का निर्माण करने में हम इस कैबिनेट के निर्णय के बाद हमारा विभाग सक्षम हो पाएगा। एक बड़ी ताकत ग्रामीण इलाकों में माननीय मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत करके दी है। दूसरी बात है कि बहुत से पुल पुलिया, क्योंकि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना जो थी वो योजना लगभग 2016 के बाद वो योजना बंद हो गई थी स्टेट प्लान से, और हम सिर्फ वो योजनाओं को ही लेते थे पुल में जो नाबार्ड पोषित योजनाएं थी, जिसमें हमारा 60-40 केंद्र सरकार का 60 और 40 हमारा कंट्रीब्यूशन होता था। लेकिन जिस तरह से अभी हमें नाबार्ड से पैसा मिला और जिस तरह से हमने पुलों को लिया था, तो लगा हमें निर्णय हुआ, माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय किया कि जो डिमांड और सप्लाई वो मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए फिर से
माननीय नेता ने इस प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की शुरुआत की है और मैं समझता हूं कि लगभग अभी 800 हमारे यहां पुल निर्माणाधीन हैं और चुनाव आते आते तक हमारा टारगेट 1000 नए पुलों का निर्माण करने का है और जो कल कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है उससे लगभग हम 1000 और पुल को, तो अभी जो स्थिति बिहार में है अगले साल तक लगभग हम 1500-1600 पुलों का निर्माण करने में सक्षम हो पाएंगे। तो जैसे कि आपने सुना, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ग्रामीण सड़क और पुल पुलियों में नीतीश कुमार ने खास तौर पर विशेष रुचि दिखाई है। 800 पुलों का निर्माणाधीन किया गया है और चुनाव आते आते 1000 नए पुल के निर्माण कर दिया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए एक न्यूज 24 के साथ।